जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का जो आरक्षण का मुद्दा था वो फिर से गर्मा गया है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को अपडेट दी थी कि छत्तीसगढ़ का जो आरक्षण मुद्दा है 50% वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, जिस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बोल करके रोक लगा दी थी, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त तक की इसकी डेट मिली है, मतलब 25 अगस्त को फिर इससे सुनवाई होगी। मैंने यही बताया था पिछले वीडियो में कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने वकीलों की कमी के आधार पर 2 हफ्ते का समय मांगा था, वो उनको मिल चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक अलग मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो युवा अभ्यर्थी है उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल होने वाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो MBBS की सीट होती है, जो नीट के एग्जाम देकर क्वालिफाइंग करते हैं, उनके रिजर्वेशन में फिर से हेर फेर की जा रही है। चलिए दोस्तों, बात आए करते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे कि ये है वो रिजर्वेशन का कोटा है, देख पाएंगे नीट यूजी MBBS, ठीक है। एडमिशन ये 2023 के लिए है, CG स्टेट कोटा की बात हो रही है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दो इंस्टीट्यूट की यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। पहला जो है वो JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर है, और नीचे आप लोग देख पाएंगे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर है। यहाँ पर जो आप स्टेट कोटा में 189 सीट ऊपर के लिए है, ऊपर वाले कॉलेज में है, और नीचे वाले कॉलेज में 148 सीट है। यहाँ पे आप लोग रिजर्वेशन देख पाएंगे, ST के लिए 20% है, SC के लिए 16% है, OBC के लिए 14% है, और EWS के लिए 10%। यह रिजर्वेशन सिस्टम अभी तक लागू था और इस पर ही एडमिशन होने वाले थे, ठीक है। नीचे अगर देख पाएंगे तो यहाँ पर भी देख पाएंगे ST के लिए 20%, SC के लिए 16%, OBC के लिए 14% और EWS के 10% रिजर्वेशन था, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो अनारक्षित जो सीटें हैं वो लगभग 40% थी, और 60% मिला तो कंप्लीट एक रिजर्वेशन था। तो ये जो कंडीशन बन रही थी, इसके हिसाब से अभी जो नीट का रिजल्ट आएगा उसमें एडमिशन होने थे। यहाँ पर आप लोग 4 अगस्त की खबर भी देख पाएंगे, छत्तीसगढ़ में क्या खबर है कि प्रदेश में MBBS की 1910 व BDS की 600 सीटें उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन यहाँ पे आरक्षण का जो रोस्टर है, या रिजर्वेशन का जो रोस्टर कह ले, तो जब नौकरियां यहाँ पे दी जाती है छत्तीसगढ़ में, तो वहां पर 58% आरक्षण हो रहा है, लेकिन मेडिकल जो कॉलेज में एडमिशन हो रहे वहां 50% का नियम लागू था। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन अभी यहां पर आप लोग देखेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोग को बता रहा हूं कि अभी 7 अगस्त की डेट है, 7 अगस्त की डेट में एक मंत्रिपरिषद का बैठक होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और यहां पर ये नियम आता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर कैबिनेट का हुआ है अहम फैसला, ST SC OBC छात्रों के लिए 58% आरक्षण लागू होगा, ठीक है। जहां ST SC OBC को मिलाकर के 50% आरक्षण दिया जा रहा था, तो अभी जब रिजल्ट आने वाले हैं नीट के काउंसलिंग के, तो वहां पर इनको रिजर्वेशन को बढ़ाया जा रहा है, 58% किया जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी काफी समय से मेहनत कर रहा होगा, अनारक्षित अभ्यर्थी होगा, या फिर अनारक्षित की सीटों में जो चयनित होने वाले अभ्यर्थी होंगे, वो कोई भी अभ्यर्थी हो सकते हैं, वो ST SC OBC के भी हो सकते हैं, वहां पर उनको नुकसान होने वाला है 8% का। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो अगर आप लोग तत्काल प्रभाव में आप हाईकोर्ट जाकर के इसके लिए आवेदन करेंगे, तो ही आप लोगों को कुछ यहाँ पर राहत मिल सकती है। इस खबर में दोस्तों, अगर मैं आगे बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भूपेश कैबिनेट ने शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर मुहर लगा दिया है। स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश में अब SC ST OBC छात्रों को 58% आरक्षण मिलेगा। दाखिले में आरक्षण पर कोई फैसला नहीं होने की वजह से कॉलेज का एडमिशन लटका हुआ था कॉलेजों में। दोस्तों, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जब बिलासपुर हाईकोर्ट के आरक्षण को खत्म किया था, और उसके बाद कहा था कि आप भर्ती करा सकते हैं, तो 58% पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है। लेकिन कॉलेज में जो एडमिशन था 50% हो रहा था, उनको भी अब 58% कर दिया जाएगा। ये मैटर तो चल रहा है, अगर किसी के साथ ऐसा लग रहा है कि नीट में उसका नाम आने वाला था, कुछ नंबर से कम हो गया है, तो वो तत्काल प्रभाव से कहाँ जाएंगे, उनके परिजन, जो अभ्यर्थी के परिजन होंगे, वो बिलासपुर हाईकोर्ट जाएंगे, तभी आप लोगों को कुछ राहत मिल सकती है इस संबंध में। क्योंकि अब रिजल्ट आने वाला है और उस समय आरक्षण के नियम बदल दिए जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको नुकसान जरूर देखने के लिए मिलेगा। और 25 अगस्त जब डेट हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी अपडेट आती है छत्तीसगढ़ के आरक्षण के संबंध में, तो मैं आप लोग को जरूर उसके संबंध में भी अपडेट दूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।